नमस्कार, न्यूज वर्ल्ड के खास बुलेटिन में आपका स्वागत है और मैं हूं राजेश सोनी। बुलेटिन में बात करेंगे खास खबरों की, जहां केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने जम्मू कश्मीर के मेंढर में चुनावी सभा को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि 90 के दशक में फारूक की मेहरबानी से आतंकवाद आया। 90 के दशक में यहाँ बहुत गोलाबारी होती थी क्योंकि यहाँ के आका पाकिस्तान से डरते थे। शाह ने कहा कि अब पाकिस्तान नरेंद्र मोदी से डरता है, इनकी हिम्मत नहीं है गोलीबारी करने की, और अगर गोलीबारी की तो मोदी गोली का जवाब गोली से देंगे। को कहना चाहता हूं, 90 के दशक में गोलीबारी कितनी होती थी भाई, याद है ना आपको, बड़ी उम्र के बुजुर्ग। अब गोलीबारी होती है क्या? जरा जोर से बोलो भाई, होती है क्या? इसलिए नहीं होती है, पहले यहां के आका जो थे ना वो पाकिस्तान से डरते थे, अब पाकिस्तान नरेंद्र मोदी से डरता है। नरेंद्र मोदी, इनकी हिम्मत नहीं है गोलीबारी करने की, और किया तो गोली का जवाब गोले से दिया जाएगा, गोले से दिया जाएगा। भाइयों बहनों, हम हमारा एक संकल्प पत्र लेकर आए, आज दूर ऊंची ऊंची पहाड़ियों से आप सब आए हैं। मैं आपको कहना चाहता हूं कि हम हर घर में एक सबसे बड़ी आयु वाली महिला को 18,000 रुपये का चेक सालाना देने का काम भारतीय जनता पार्टी 18 पर मुहर्रम के मौके पर दो गैस के सिलेंडर मुफ्त दिए जाएंगे, दो गैस के सिलेंडर। यहां पर जो किसान है उसको अभी मोदी जी 6,000 रुपया भेज रहे हैं, मुर्तुजा भाई को जिता दो, ये 6,000 रुपया 10,000 करने का काम हमारे मुर्तुजा भाई करेंगे। कृषि के बिजली बिल जो है उसकी दर 50% हम कर देंगे, 50% कृषि बिजली दरों की 50% कटौती कर देंगे और 500 यूनिट तक फ्री ऑफ कॉस्ट बिजली देने का काम भी भारतीय जनता। जन्नू में मेट्रो लगाएंगे, तवी में रिवर फ्रंट बनाएंगे और यहां पर पूंछ रजौरी की पहाड़ियों में पहलगांव जैसा ही एक नया पर्यटन का शहर बनाकर यहां पर मेंढर पूंछ रजौरी में पर्यटन को बढ़ावा। भाइयों बहनों, 70 साल तक इन्होंने जम्मू के इस इलाके को अन्याय किया है। मैं आपको कहकर जाता हूं, दुनिया भर का पर्यटन अगर मेंढर पूंछ रजौरी डोडा में ना आया तो आप कहना कि अमित भाई आप सच नहीं बोलते हो। यहां पर पर्यटन का बढ़ाने का काम हम करेंगे। हमने अग्निवीर जो होंगे इसको 20% कोटा देंगे और 5,00,000 सरकारी नौकरियां यहां पर जम्मू कश्मीर में देने का काम भारतीय जनता पार्टी करेगी। दूर दराज के क्षेत्रों में जैसे हमारा मेंटर है, हायर सेकेंडरी एसएससी तक पढ़ने वाले बच्चों को लैपटॉप और टैबलेट देंगे, जैसे घर पे बैठकर वो अपनी ऑनलाइन पढ़ाई कर पाए। एक कलेक्टर डीएसपी बनकर देश भर में काम करें, इनको भी मेडिकल में दाखला मिलेगा, उनको भी इंजीनियरिंग का दाखला मिलेगा, ये भी आईआईएम में जाएंगे। भाइयों बहनों, ये अधिकार जो भारत के संविधान ने आपको दिया है वो फारूक साहब, मुफ्ती बहन, ये सब रोक कर बैठे। नरेंद्र मोदी जी ने आरक्षण को लगाया, इन्होंने घोषणा पत्र में कहा है कि हम रिजर्वेशन पर पुनः विचार करेंगे। क्या आप चाहते हैं आपके रिजर्वेशन पर पुनः विचार हो? जरा जोर से बोलो, चाहते हैं क्या? अरे चिंता मत करो, फारूक अब्दुल्ला, उमर अब्दुल्ला, उल्टा लटक कर सीधा हो जाए, आपका रिजर्वेशन हम नहीं जानते। आपका रिजर्वेशन दुनिया की कोई ताकत नहीं छीन सकती, आपसे कोई ताकत नहीं। भाइयों बहनों,
एक क्षेत्र के विकास के लिए ढेर सारी चीजें हमने करी है, मैं बताना बाद में बताऊंगा, मगर बहुत सारी चीजें जो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है मुर्तुजा भाई ने अभी भाषण में बताई। यहां पर विंटर कैंप कलेक्टर डीडीओ ऑफिस आप मानकर चलना, ये सर्दियों में ही हम खोलने का काम कर देंगे, आपको दिक्कत नहीं। आपका पीने का पानी, अस्पताल और बच्चों के स्कूल, हायर सेकेंडरी तक के, ये सब मेंडर में कम से कम अंतर में उपलब्ध हो, इसकी चिंता नरेंद्र मोदी जी की सरकार करेगी।